अब जरा लद्दाख आपको लिए चलते हैं, क्योंकि लद्दाख के अंदर पिछले 12-15 घंटों के दौरान जो कुछ हुआ है उसने दिल्ली के अंदर भी हलचल काफी तेज कर दी है और अगले कुछ दिनों के दौरान हंगामा काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि रियासत का दर्जा देने की मांग अब जोर पकड़ती जा रही है। लेकिन मामला दीगर भी, और लद्दाखी लीडर एक साथ आए हैं। 6 दिसंबर को वसी पैमाने पर एहतजाज की कॉल न सिर्फ दी गई है बल्कि बाकायदा अब एक अवामी तहरीक लद्दाख के अंदर शुरू की जाएगी और अपेक्स बॉडी और केडीए ने एहतजाज का मुश्तरका ऐलान किया है। तीसरी मीटिंग हुई, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, दोनों इनमें रिलीजियस लीडर भी हैं। साबिक रुकन पार्लियामेंट जो कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लीडरान के साथ मुसलसल रबते में थे अपेक्स बॉडी लेह की तरफ से, और दूसरी तरफ अपेक्स बॉडी लेह की तरफ से जो मामला वजारत दाखिला के नोटिस में पहले लाए गए थे, कहा गया कि लद्दाख के मुसलसल कई बार जो मेमोरेंडम्स पेश किए गए, दिल्ली के अंदर मुलाकात हुई और उसके बाद मरकजी वजीर जो है वो लद्दाख भी जाते रहे, लेकिन उन सब के बीच में ये देखा गया कि वजारत दाखिला या मरकजी सरकार के नोटिस में लाने के बावजूद भी एक बार फिर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और दूसरी तरफ लद्दाख के जो बाकी लीडरान हैं जो लेह के अंदर या करगिल के अंदर नुमाइंदगी कर रहे थे, एपेक्स बॉडी लेह के मेम्बरान हैं, उनकी तरफ से भी बड़ा सख्त रवैया अपनाया गया है। सख्त रुख अपनाते हुए कहा गया कि अवाम के जो जज्बात थे, एहसासात थे, न सिर्फ उनके साथ खिलवाड़ हुआ है, सिख शेड्यूल का मामला हो, आईनी हुकूक हो, उनसे महरूम लोगों को न सिर्फ रखा गया, मकामी नौजवानों को रोजगार फराहम करने का जो बात कही गई थी सरकार की तरफ से मुसलसल रबते में रहकर, वो तमाम मामला आज भी जिन पर गैर संजीदगी का मुजाहरा सरकार कर रही है, जिसके बाद मुश्तर का ऐलान हुआ है और एक और महाज का आगाज करने की बात हुई है 6 तारीख को, जहां पर हड़ताल न सिर्फ होगी लेकिन उसके साथ साथ वसी पैमाने पर एहतजाजी रैलियां, सिंपोजियम प्रोग्राम यानी अवामी तहरीक की शक्ल में अब मजीद कार्यक्रम, मजीद प्रोग्राम हम देखेंगे यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर, और मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल किया जाए बल्कि दिया जाए लद्दाख को, ये भी मांग हो रही है। और लोकसभा और राज्यसभा सीटों का भी एक बार फिर से जिक्र किया गया है। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए असगर करबलाई साहब हैं, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सीनियर रुकन हैं और जम्मू कश्मीर की सियासत में एक अहम किरदार इनका पहले से रहा, जब एक रियासत हुआ करती थी, अब वो लद्दाख यूटी का हिस्सा है, लेकिन मुसलसल सरकार के साथ जब जब राबता करने की बात हुई है तो असगर करबलाई साहब भी उस डेलीगेशन का, उस वफद का हिस्सा रहे थे जो दिल्ली के अंदर सरकार से मुलाकात हुआ था और उसके बाद लद्दाख के अंदर भी मामलात को संजीदगी से लिया जाता रहा। बहुत शुक्रिया असगर साहब ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम सलाम जेके में, खुशामदीद कहते हैं आपको, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि आपकी तरफ से सरकार के नोटिस में दोबारा वो तमाम मामलात लाने की बात हुई जो जून जुलाई से काफी ज्यादा कोशिशें आपकी तरफ से की जा रही थी, क्या कहीं ऐसा महसूस हुआ साल के खत्म होते होते कि दिल्ली पहुंचने के बावजूद भी, सरकार के हाथ में कागजात देने के बावजूद भी मामलात पर शायद संजीदगी से काम नहीं हो रहा, अमल दरामद नहीं हो रहा जो कुछ कहा गया था, और उसके बाद अब मजबूर होना पड़ा है ये एक बड़ा ऐलान करने के लिए लद्दाख के अंदर? आपको, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सलाम जेएनके में जी, इस बेहतरीन मौके को लद्दाख की नुमाइंदगी के तौर पर फराहम करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी ये जो आज कल जो मीटिंग हुई है ये पहली मीटिंग नहीं है, ये तीसरी मीटिंग है, इससे पहले 2 मीटिंग हो चुकी है, और इन दोनों मीटिंग में जब हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी जिसमें एमओएस होम नित्यानंद राय साहब भी आए थे, इन्होंने प्रॉमिस किया था जो जो डिमांड हमने रखी थी, जो हमारे चार्टर ऑफ डिमांड्स है जिसमें 4 हमारे डिमांड्स है, फुल फ्लेज स्टेटहुड फॉर लद्दाख यूटी, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड फॉर लद्दाख यूटी, रेजिडेंट सर्टिफिकेट एंड एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो जितने भी वैकेंसी है उसे फिलअप करने के लिए, और लास्ट हमारा 4th डिमांड था 2 सेपरेट लोकसभा सीट्स फॉर लद्दाख। उनमें से सिर्फ हमारी एक ही डिमांड जो रेजिडेंट सर्टिफिकेट की डिमांड थी वो फुलफिल हो गई है, वो पूरा हुआ है। उसके साथ ही साइमल्टेनियसली उनका था कि हम रिक्रूटमेंट बहुत जल्दी शुरू करेंगे और वो रिक्रूटमेंट अभी तक नहीं हो पाए हैं। दूसरा डिमांड उसमें नित्यानंद राय जी ने एक्सेप्ट किया था, कहा था कि जो आपकी ज्वाइंट कमेटी बनी हुई है उस ज्वाइंट कमेटी को विद इन डेज हम दिल्ली में बुला के होम मिनिस्ट्री में हम बातचीत करा लेंगे।
वो दिन और आज का दिन अभी तक होम मिनिस्ट्री से एपेक्स बॉडी और केडीए के बॉडी को कोई भी इन्विटेशंस नहीं आई है, कोई सीरियसनेस कंसर्न्स इन्होंने नहीं दिखाया है, टू टाइम्स होम मिनिस्ट्री के एश्योरेंस के बावजूद। जी तो अनफॉर्चुनेटली दोबारा पूरी लद्दाख के आवाम को, लद्दाख की जनता को सड़क पे धकेलने की और उन्हें यह एहसास दिलाने की कि हम ज्यादा कंसर्न नहीं रखते हैं लद्दाख के आवाम को लेकर, लद्दाखियों को लेकर, कल का ये मीटिंग हमारा एपेक्स बॉडी और केडीए की मीटिंग, ज्वाइंट मीटिंग हुई और उसमें हमने डिसाइड किया अब जब तक आवाम सड़कों पे ना आए, जब तक एहतजाज मुजाहरे हड़ताल धरना न कर ले, तब तक शायद सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून पे कोई जूंग रेंगने वाली नहीं है। इसलिए मीटिंग में, कल की मीटिंग में थारो डिस्कशन हुई, सारे लीडरशिप ने यूनानिमसली डिसाइड किया अब वक्त आ चुका है कि लद्दाखियों को सड़क पे आए और अपने वजूद का इजहार करे और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये जतला दे कि अब लद्दाखी खामोश बैठने वाले नहीं है और अपने जो एपेक्स बॉडी और केडीए ने जो चार्टर ऑफ डिमांड्स दी है, जब तक वो फुलफिल नहीं होंगे, पूरा नहीं होगा, लद्दाखी सड़क पे आएंगे और शायद ही सड़क पे आने के बाद, हड़ताल की काल देने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद, जलसे जुलूस करने के बाद शायद होश आए, जिस तरीके से आपको याद होगा इससे पहले जब नित्यानंद लेह में आ रहे थे, एपेक्स बॉडी और केडीए को टोटली इग्नोर करके कुछ सेलेक्टेड लोगों को बुलाने की कोशिश की और हमने लद्दाख बंद की काल दी थी और मजबूर हो गए दोबारा केडीए और एपेक्स बॉडी को बुलाने पे। अब हमें लगता है शायद वही टेक्टिक्स दोबारा ये बीजेपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना रही है। एक चीज और भी आपसे जानना चाहेंगे, जो 6 तारीख का आपने प्लान बनाया है, क्या ये एक रेगुलर एक तरह से प्लान कहेंगे या आरजी 6 तारीख से जो आप शुरू करेंगे और आगे किस तरह के प्रोग्राम रहेंगे? और आपके यानी जो एलबीए का आपने जिक्र किया, केडीए एक साथ आए हैं, इसमें तमाम लोग या तमाम ऑर्गेनाइजेशन, सोशल रिलीजियस हो, एनजीओज हो, बाकी मकामी लोग हों, वो आपके साथ आ रहे हैं, हाँ में हाँ मिलाई जा रही है? इसमें 6 तारीख के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि 6 तारीख को भीमराव अंबेडकर जी की डेथ एनिवर्सरी आ रही है, इसलिए शायद ये 6 तारीख एक दिन आगे पीछे हो जाएगी। अब 6 तारीख नहीं होगा क्योंकि 6 तारीख को भीमराव अंबेडकर जी की डेथ एनिवर्सरी आ रही है, इसलिए वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि हमारी इस एजिटेशन में, हमारी इस मूवमेंट में, ये पीपल्स मूवमेंट है, ये किसी इंडिविजुअल्स के, एपेक्स बॉडी के इंडिविजुअल का, केडीए के इंडिविजुअल की मूवमेंट नहीं है, ये लद्दाखियों की मूवमेंट है और लद्दाखियों की मूवमेंट ये किसी इंस्टीट्यूशन, पार्टी, रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल, एनजीओ लेवल पे ही नहीं है, ये आम लेवल पे है, यानी हर लद्दाखी इस मूवमेंट का हिस्सा है। और इसीलिए कल की हमारी मीटिंग में हमारे करगिल के जो बुद्धिस्ट एसोसिएशन है उनको थोड़ी सी रिजर्वेशन थी, उससे हमने पहले मीटिंग की थी और इन्होंने अपने सारे खदशात जब उनके दूर हो गए तो इन्होंने भी ज्वाइन कर ली है। अब ये करगिल बुद्धिस्ट एसोसिएशन भी केडीए के पार्ट है और हमारे मेंबर्स हैं। बाकी सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे उसमें आप बार एसोसिएशन ले लें, आपके पंचायत कोऑर्डिनेशन कमेटी ले लें, आपके बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के मर्चेंट एसोसिएशन ले लें, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ले लें, जितने भी एसोसिएशन हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो सारे ऑन बोर्ड है, सबके सब एक साथ है। अच्छा, एक चीज और भी जानना चाहेंगे, चूंकि 24 जून को जब जम्मू कश्मीर के जो लीडरान थे वो दिल्ली पहुंचे थे और उसके तकरीबन एक हफ्ते के बाद ही 1 जुलाई को आपको भी मधु किया गया था वजारत दाखिला की तरफ से, लीडरान की मीटिंग यानी जो केडीए थे, केडीए लीडर्स थे वो पहुंचे थे, उनमें आप भी थे, तब से लेकर आज तक एलबीए के मेंबर्स हों, आप हों, जो चार्टर ऑफ डिमांड था जिनमें से आप कह रहे हैं एक पूरा हुआ है, जो आपकी तरफ से मुतालबात रखे गए थे उन पर अब तक काम ना हो पाना वजह कह रही है, ये गैप जो पड़ गया है इन सबके बीच में, 3 मीटिंग्स भी आपकी हुई है, मरकजी वजीर बराए दाखिला वो भी लद्दाख का 2 बार दौरा कर चुके हैं गालिबन, तो इन सब के बीच में बावजूद इसके काम ना होना, मकामी सतह पर कोई खामी रही है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट के अलावा जो आपको लगता है वजारत दाखिला की ही तरफ से भी कोई गलती हो रही है?
मकामी सतह पर मैं आपको कहूंगा शायद हमारे बीजेपी के कुछ लीडरशिप्स इसमें रोड़े अटका रहे हैं, वो नहीं चाहते हो कि ये मीटिंग्स हो जाए और ये मूवमेंट्स आगे बढ़े, पब्लिक के डिमांड्स फुलफिल हो। जहां तक वजारत दाखिला का ताल्लुक है, वजारत दाखिला डे फर्स्ट से हमें न सिर्फ एश्योर कर रही थी, हमें कह रही थी कि आप इमिजिएटली बहुत ही जल्दी के साथ आप हमें लिस्ट दे दें ज्वाइंट कमेटी की, हम विद इन डेज आपको दिल्ली बुला के इन चीजों पे हम थोरो डिस्कशन करेंगे, हम खुले दिल के साथ तैयार हैं, हम लद्दाखियों को सुनने के लिए आए हैं, लद्दाखियों के समस्या का मसाइल का हल करने के लिए आए हैं, हम बहुत ही सीरियस है, कंसर्न रखते हैं और हमें लद्दाखियों के साथ बहुत ही हमदर्दी है। लेकिन ग्राउंड जो रियलिटी वो यही है, अगस्त के बाद से लेकर अभी तक लिस्ट भी फाइनल होने के बाद, उनको पहुंचने के बावजूद भी वजारत दाखिला की तरफ से अभी तक कोई इनिशिएटिव नहीं हुई है। यकीन वजारत दाखिला के लेवल पे भी इसमें कोताही है। करगिली साहब, करबलाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से आपकी डिमांड्स है, आप क्या चाहते हैं कि किन डिमांडों को जल्द से जल्द फुलफिल करने की जरूरत है, और क्या आपके अगर सरकार के साथ, मरकजी सरकार के साथ आपकी मीटिंग होती है तो क्या आपकी जानिब से और कोई डिमांड रखी जाएगी, या कि कोई टाइम फ्रेम के यानी कि पीरियड के दौरान इन डिमांड्स को फुलफिल किया जाए? हमारी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिमांड स्टेटहुड है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉमिस है कि हम लद्दाखियों को लद्दाखियों से ही हुकूमत करवाना चाहते हैं, लद्दाखियों को हम डेवलप करते हुए, तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं, लद्दाखियों को एक पार विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री के दूसरे स्टेट्स के लेवल पे लेना चाहते हैं। आज लद्दाखियों के पास न अपनी रूलिंग है, न अपनी लेजिस्लेशन है, न अपने लिए कानून बना सकते हैं, न अपने पे हुक्मरानी कर सकते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में लद्दाख जैसे जिसकी बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, 1000 किलोमीटर की LOC और 1000 किलोमीटर की LAC है, जियोपॉलिटिकल इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उस लद्दाख को कुछ ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में देकर, नौकरशाह के हाथों में देकर उस लद्दाख की हुकूमत नहीं चलाई जा सकती है। तो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिमांड यही है कि स्टेटहुड विथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। चलिए, बहुत शुक्रिया असगर करबलाई साहब, को चेयरमैन हैं कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के, हमारे साथ थे और बात हो रही थी लद्दाख के मामले पर। 6 तारीख की जो उन्होंने जिक्र किया है, 6 तारीख का, वो आगे पीछे हो सकती है चूंकि उस दिन एक अहम दिन भी हिंदुस्तान के लिए है, लेकिन जो अवामी तहरीक है वो जरूर चलाई जाएगी और बड़े पैमाने पर एहतजाज किए जाएंगे, इसकी उन्होंने तस्दीक कर दी है। वक्त